Yes, good morning to all the students of class 7. Today we will discuss chapter number 13, Motion Plate Time. And our topic of discussion is Measurement of Time. In today's class, we will discuss this topic. Okay, so measurement ka matlab kya hai students? Measurement ka matlab hai mapdand. Is it clear? तो time का measurement हम कैसे करते हैं? उसको discuss कर लेते हैं. If you did not have a clock, अगर आपके पास में कोई clock नहीं है, how would you decide what time of the day it is? कि दिन का क्या समय चल रहा है? ये आप कैसे decide करेंगे? अगर आपके पास में कोई clock नहीं है. Have you ever wondered how our elders can tell the approximate time of the day by just looking at shadows? क्या आप ये चीज वंडर कर सकते हैं, मतलब क्या आश्चर्यचकित होते हैं कुछ बातें सोच करके अपने बड़ों की, कि वो कैसे एक अनुमानित टाइम बता पाते हैं, approximate टाइम बता पाते हैं? approximate टाइम का मतलब क्या है? Approximate का मतलब क्या है? अनुमानित. कि वो कैसे अनुमानित समय बता पाते हैं of the day, दिन का, by just looking at shadows, बस केवल एक जो shadows होती हैं, जो परछाई होती हैं, केवल उनको देखकर. shadows का मतलब क्या है? परछाई. कि केवल परछाई को देखकर के वो ये समय कैसे बता पाते हैं without clocks. How do we measure time interval of a month or year? एक क्वेश्चन ये भी है कि हम जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल चाहे वो मंथ का हो या वो डे का हो, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? एक क्वेश्चन हमारे लिए ये भी यहाँ पर पूछ रहा है. अवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, जो हमारे क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, दे नोटिस्ड दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम. उन्होंने क्या नोटिस करा है कि बहुत सारे इवेंट्स हमारे प्रकृति के अंदर रिपीट होते रहते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम. डेफिनेट का मतलब क्या है? एक जो निश्चित अंतराल है समय का, उसके अंदर. डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या है? निश्चित. कि निश्चित अंतराल में समय के ये रिपीट होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. उन्होंने क्या खोजा कि जो सूर्य है वो हमेशा सुबह को निकलता है, यानी कि हर रोज वो सुबह को निकलता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे. डे के बारे में उन्होंने क्या बताया कि डे के बारे में उन्होंने बताया कि जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन वन सनराइज, कि जब आपका सूर्य उदय हुआ, एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे, वाज कॉल्ड अ डे. तो जब एक ऐसा समय का ऐसा अंतराल जिसका जो किसके बीच में होगा, जब आपका एक बार सूर्य निकला और जब दूसरे दिन आपका जब सूर्य निकला उसके बीच में जो समय आएगा उसको आपने बोला कि आपका क्या हो गया, वन डे हो गया.
a year was a fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो एक ईयर है, जो एक वर्ष है, उसमें क्या होगा, वो जो पूरा एक टाइम इंटरवल है, वो उन्होंने कैसे बताया कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक सूर्य की एक परिक्रमा करते हुए जितना समय लेगी, वो जो समय होगा वो क्या होगा, ईयर कहलाएगा, साल, पूरे साल भर का एक समय कहलाएगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। तो जो ईयर का जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है, वो क्या होता है, जब आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और वो एक परिक्रमा पूरी कर ले, then that time period is called as year. Often we need to measure intervals of time are much shorter than a day. हमें क्या करना पड़ेगा students, intervals जो होंगे, time intervals होंगे, उनको मापने के लिए जो पूरे एक दिन का जो time interval है उससे कम होते हैं, अगर हमें उन्हें मापना है तो clocks और watches are perhaps the most common time measuring devices. तो common time measuring devices हमारी कौन-कौन से होंगी? Common time measuring devices. Common time measuring devices ये हमारी होंगी, एक तो clocks या फिर वॉचेस। ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे हम टाइम को हमेशा मेजर करते हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम, क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्लॉक्स हैं या जो वॉचेस हैं वो टाइम को कैसे मेजर करती हैं? द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स, कि अगर हमें क्लॉक की जो वर्किंग है, अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है, तो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी जटिल है, बट ऑल ऑफ देम मेक्स यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, लेकिन सभी क्या करती हैं, कुछ पीरियोडिक मोशंस का उपयोग करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या ये चीज क्लियर है? तो अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या करता है। देखिए, सिंपल पेंडुलम को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपकी क्या है, फॉल सीलिंग है, यहां से हमने थ्रेड क्या करा, इस फॉल सीलिंग से टाई करा, और ये नीचे मैंने क्या बना दिया, इसका एक इसे बोला जाता है बॉब, बॉब बोलते हैं इसको, बॉब बना दिया, ये क्या हो गया, थ्रेड हो गया, ये इस सीलिंग से क्या हो रहा है, लटका हुआ है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये फिगर आपकी क्या शो कर रही है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, कि जब ये हमने क्या बनाया, यहां पर सिंपल पेंडुलम बनाया, तो ये इसकी कुछ पोजीशंस भी आएंगी। अब तो आइए अब हम उनकी पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की कुछ-कुछ पोजीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें
सॉल्यूशन तो ये है कि आपने क्या करा, जो पेंडुलम है उसको लिया, उसको आप थोड़ी सी दूरी तक लेके गए और फिर आपने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये जो पेंडुलम है ये उस समय के बाद कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पर आ गया। ओके, तो पहले आपकी ये क्या थी, ये जो है आपकी ये क्या है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम। और फिर कुछ समय के बाद ये जो पेंडुलम बॉब है इसको आपने पीछे की तरफ रिलीज किया, पीछे की तरफ आपने इसे खींचा, फिर आपने इसे रिलीज कर दिया। ओके, जैसे ही आपने इसे रिलीज करा तो इसकी पोजीशन अब कहां होगी, यहां पर होगी। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ये वाला जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट पोजीशंस आप लिख देंगे, या तो आप इसका मोशन लिखेंगे या तो पीरियोडिक,
पीरियोडिक मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर है? ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब है दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब है दोलन गति। The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O. ये जो mean position है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? O नाम दे दिया कि अभी ये जो bob है, ये अभी mean position पर है। तो इसका एक oscillation कब complete होगा? हम इसको bob को थोड़ा सा left hand side में क्या करेंगे? खींचेंगे और फिर हम इसे release कर देंगे। तो ये right hand side की तरफ जाएगा और फिर दोबारा से ये उसी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉब ने अपना एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीडेशन का मतलब है कंपन। तो जब आपका बॉब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, वो से मूव्स टू ए, और ये कौन से पॉइंट पर आ गया? ए पॉइंट पर आ जाएगा। उसके बाद ए पॉइंट के बाद ये दोबारा से बी पॉइंट पर चला जाएगा। ये आपका बी पॉइंट है और फिर बैक टू ओ, फिर दोबारा से ओ पॉइंट पर आ जाएगा। सो द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। कि अगर आपका जो बॉब है वो एक आपकी ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन ए से मूव कर जाए करेगा, कहां जाएगा? अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाएगा और फिर उसके बाद वो ए पर वापस आ जाएगा। इट मींस कि उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, जो कि मेन है। टाइम पीरियड में लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम to complete one oscillation is called its time period. उसका क्या कहलाएगा? Time period कहलाएगा। Clear है students? So I hope students आपको ये वीडियो आज समझ में आई होगी। Please like, share and subscribe my video. Thank you.